हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खुशहाल परिवार। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे 6 मई से 10 मई तक कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आप वीडियो को लेटेस्ट अपडेट की जानकारी समय समय मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कुछ इस प्रकार से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है, जिसे अगले क्या होगा अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है कहाँ कहाँ पर भारत के पहाड़ी इलाकों में। जैसे कि आप पहाड़ी इलाके में आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के आसपास के इलाके, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, तो ये इन इलाकों में कल एक दो दिन तक बारिश हो सकती है। बारिश जो है ज़्यादा नहीं होगी, हल्की बारिश होगी। तो अगले 2 दिनों तक ऐसा मौसम रहने वाला है। सिर्फ और बात कर लें आपकी, ये देखिए 6 तारीख को कुछ ऐसा मौसम रहेगा, ऐसे मौसम का कह सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ हिस्सों में भारत के गर्मी हीट वेव होने की संभावना। हीट वेव कब होती? जब टेम्परेचर पहले दिन के टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो ऐसे स्थिति को हीट वेव या गर्म हवाओं वाली स्थिति कहा जाता है, हीट वेव। तो ये जो निशान आपको दिख रहे हैं, ये हीट वेव के हैं। तो ये इन राज्यों में हीट वेव की संभावना, जैसे गुजरात है तो, और आपके दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या हो, गर्म हीट वेव चलने की संभावना है। इसके अलावा तो ये 6 का है, इसके बाद ये 7 को आप देख सकते हैं। 7 को क्या है, ये देखिए, इन इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना, यानी जैसे लोग कहते हैं, लोग चलने की संभावना जताई जा रही है। 8 तारीख की बात करते हैं, 8 तारीख को भी ये इन राज्यों में हीट वेव चलने की संभावना है। तो ये कुछ आपका मौसम का हाल रहा। इसके अलावा ये देखिए, ये इस निशान का मतलब होता है हीट वेव, इस निशान का मतलब हीट वेव होता है। और इसका थंडरस्टॉर्म विथ लाइटिंग, यानी कड़ाके बिजली चमकना, और ये वाला निशान आपका हैवी रेन को दर्शाता है। इसके अलावा ये वाला स्ट्रॉन्ग विंड को दर्शाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हीट वेव है। इसके अलावा इन राज्यों में कड़ाके बिजली चमकने की संभावना है इन राज्यों में। तो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए हीट वेव, इसके अलावा इन राज्यों में बिजली कड़कने की संभावना है। पूरे भारत में नहीं, बल्कि कुछ ही राज्यों में है, 2-4 राज्यों में है। ये हैवी रेन की बात करते हैं। हैवी रेन कितने को कहा जाता है, तो हैवी रेन की ये बात करते हैं, 64.5 mm से लेकर, अगर बारिश कितनी होती है, 115 mm तक होती है, मिलीमीटर तक, तो ऐसे को हम हैवी रेन कहते हैं। इसके अलावा वेरी हैवी रेन किसे कहते हैं, तो वेरी हैवी रेन 115 mm से 204 मिलीमीटर अगर बारिश हो, तो उसे हैवी रेन कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एक्सट्रीमली हैवी रेन, 204 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा बारिश हो, उसे एक्सट्रीमली हैवी रेन कहा जाता है। ये नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंस है, इसी की वजह से कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी। तो इतनी सी बात आपको जान